दोस्तों, एक नेवी पायलट के लिए फाइटर जेट्स और दूसरे प्लेन्स को समुद्र के बीच एयरक्राफ्ट कैरियर्स के 300 फीट लंबे रनवे पर लैंड कराना सबसे मुश्किल कामों में से एक होता है, क्योंकि लैंडिंग के समय पायलट को जेट के ठीक पीछे लगे टेल हुक को डेक पर लगी तीन पैरेलल अरेस्टिंग वायर में से किसी एक वायर में फंसाना होता है। अगर वो इसमें कामयाब होता है तो इस डेक के नीचे इन वायर से अटैच हाइड्रोलिक सिलेंडर्स प्लेन की काइनेटिक एनर्जी को एब्जॉर्ब करके प्लेन को लैंड करा देते हैं, और अगर वो इसमें फेल रहा तो उसे वापस प्लेन को लेकर उड़ना पड़ता है, और जब तक बार बार निशाना लगाते रहना पड़ता है जब तक कि वो इसमें कामयाब ना हो जाए। इन वायर्स में थर्ड वायर सबसे सेफ और फर्स्ट वायर सबसे रिस्की होती है, क्योंकि इसे टारगेट करते समय प्लेन का एयरक्राफ्ट कैरियर के किनारे से टकराने का खतरा हमेशा बना रहता है, इसीलिए पायलट थर्ड वायर को ही टारगेट करते हैं।